है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसे कि हम में से मैक्सिमम लोगों का प्रीलिम्स पीओ का खत्म हो चुका है, एसबीआई पीओ का भी प्रीलिम्स हो चुका है, कुछ लोग का आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स बचा हुआ है और बाकियों का आईपीएस क्लर्क का है, ठीक है, प्रीलिम्स है। अब हमने क्या करना है, अभी से लेकर अब हमको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ मिलकर चलना होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास मेंस के लिए ज़्यादा ज़्यादा वक्त नहीं होगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही ये वाला एग्ज़ाम प्रोसेस ख़त्म होता है, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का, एसबीआई पीओ का मेंस होगा, आईपीएस पीओ का मेंस होगा, फिर आईपीएस क्लर्क का मेंस होगा। ये यानी कि जैन तक, जैन या फिर हाफ तक लगभग लगभग सारा मेंस हो जाना है, ठीक है, इतना कम टाइम है। अब इसमें मेंस लेवल की प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो नंबर वन चीज़, आपको अभी से जिनका पर आईपीएस क्लर्क वगैरह भी देना है, आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स बचा हुआ है, वो अभी से एक तो प्रीलिम्स लेवल मॉक दीजिए, ठीक है, और एक दिन आप प्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक दिन मेंस भी कर सकते हैं। प्री की तो आपको पता है क्या क्या करनी है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है मेंस में। तो मेंस में क्या होता है उसमें कि आपको डेली हाई लेवल पजल की प्रैक्टिस करनी है, हाई लेवल डायरेक्ट प्रिपरेशन की प्रैक्टिस करनी है। क्रिटिकल रीजनिंग यदि आप कर रहे हो तो करो, जहाँ से भी यदि आपको बेहतर, क्योंकि आप मेंस कर रहे हो और अभी टाइम हमारे पास नहीं है तो हम नया कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, हमें जो भी करना है प्रैक्टिस करना होगा, मॉक से करना होगा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ दो मॉक से प्रैक्टिस करो कभी भी। मॉक कौन कौन से होने चाहिए? बहुत सारे मॉक है, अड्डा है, अड्डा का है, ऑलिव बोर्ड का है, हमारा स्मार्ट कीरा का है, गाइडली का है, जो भी मॉक टेक्स्ट बुक लगाते हो, बट टेक्स्ट बुक आप मेंस के लिए मत लगाओ, और यही सारा कॉन्टेंट सब आप लगाओ मेंस के लिए, गाइडली का है। तो आप कोई भी दो मॉक ले सकते हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गाइडली का ही लो या स्मार्ट कीरा का ही लो या किसी का भी लो, ठीक है, बट आप कोई भी दो मॉक लो, उन दो मॉक से प्रिपरेशन करो, ठीक है। बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो या तो बहुत सारे लोगों के पास अंकुश लंबा समय होगा टारगेट बैच, जिनके पास नहीं है वो यदि बंडल पीडीएफ कोर्स करना चाहते हैं तो गाइडली का आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके बारे में सारा कुछ बता दिया है, सोनल 12 कोड डालिए, आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा और 50% उसके हर एक प्रोडक्ट पर ऑफ चला, तो आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। यदि कोई वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको, सिंपली गूगल पर आप सर्च करेंगे मेंस लेवल रीजनिंग या मेंस लेवल डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। देखिए वहाँ पे आपको एक तरीके से नहीं मिलेगा, आपको खोजना पड़ेगा पीडीएफ या ईपीडीएफ कौन सा मेंस लेवल है, आपको देखना पड़ेगा, खुद रखना पड़ेगा। एक जगह आप चाहते हैं तो आपको पेड ही लेना पड़ेगा, यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई बना के दे दे एक जगह। कोई भी कंपनी क्या करती है, क्वेश्चन तो वही रहता है ना, उसको वो बना के सजा के आपके सामने रख देती है ताकि आपको आसानी हो, तो कोई भी वही करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी आपको यदि क्वेश्चन प्रोवाइड करेगी तो वो तो कुछ पे तो वो करवाती ही हैं ताकि आप उसे कर सको सॉल्व, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। और अंकुश का भी है आपके पास तो ठीक है। गाइडली में ये है कि आपको टारगेट करके दिया गया है डे वन से डे 50, मैं भी फिलहाल वही यूज कर रहा हूँ एसबीआई पीओ मेंस के लिए, ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और कोड आप उसके हर एक प्रोडक्ट पे 50% का ऑफ चला, आपको बहुत चीप प्राइस में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और सोनल 12 कोड प्रोमो कोड में आप डालोगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वो ले सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। 527 का उसका शायद आ जाता है ऑफ ऑफ करने के बाद, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपको, अब ये सब आपने ले लिया, आपके पास दो मॉक हो गया, एक प्रैक्टिस के लिए गाइडली का हो गया या जो भी आपने किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, आपने टारगेट बनाना है। गाइडली का यदि आप लेते हो तो उस पर बना हुआ प्रैक्टिस, ठीक है, और कहीं और से तो आपको बनाना है, ठीक है, कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, उसके डे वन, डे टू, डे थ्री, डे थ्री करके सारा टॉपिक उसमें दिया हुआ है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। तो रेगुलरली प्रैक्टिस करिए मेरे लिए, और प्रीलिम्स हैप का आईपीएस क्लर्क का तो उसकी भी प्रिपरेशन साथ में करनी पड़ेगी, आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, तो आप आशा करते हैं कि मेहनत करेंगे क्योंकि इस बार आपको जॉब लेना ही लेना है। और यही है कि एक मैंने कभी कभी मैं हिंदी पोएम भी, मतलब हिंदी कविता वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ, बुक वगैरह, जब डिमोटिवेट फील करता हूँ कभी कभी। यदि आप लोग भी हिंदी स्टेट से हैं तो आप लोग जानते होंगे रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हैं, इनके बारे में, उनकी कविता मैं बहुत पढ़ता हूँ, तो जब भी मैं डिमोटिवेट फील करता हूँ तो उनकी एक कविता है, मैं आपको कभी सुनाऊँगा कभी, और वो कविता की एक वीडियो बना के, जिसमें है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो ये वाला कविता मैं हमेशा सुनता हूँ और मुझे बहुत अंदर से एनर्जी मतलब आती कि नहीं यार हम आए ही हैं मेहनत करने के लिए, क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ पर लाइफ में कुछ नहीं, आप कुछ नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं कितना भागम दौड़ चल रहा है लाइफ में, हर कोई एक कंपटीशन के पीछे। जब मैं कल निकल रहा था आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देके पटना में, वहाँ आईडीजेड से, तो जितना मैंने भीड़ देखा, ट्रैफिक देखा, और उसी में से एक बच्चा चिल्ला रहा था कि
भाई तुमको पता है इसी इन्हीं लोग को कुचल के हमें आगे बढ़ना है। तो मुझे इतना थोड़ा सुनने में थकावट लगा ना कि मतलब कुचल के ऐसा ऐसा वर्ड लोग यूज़ करते हैं, तो समझ रहे मतलब वो हकीकत भी है, लोग कुचल के ही आगे बढ़ रहे हैं ना। अब जो मेंस में प्रिलिम्स में छट गए वो तो कुचला ही गए ना, वो तो बाहर हो गए सीधा। तो ये हकीकत है कि आपको उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, तो उनसे ज़्यादा मेहनत करना होगा आपको, ठीक है। जो भी कर रहे हैं तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जॉब आप इस बार ले पाओगे, ठीक है। तो आप मेहनत करेंगे, या आप हमसे प्रॉमिस करिए और आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए प्रिलिम्स के मेंस की। मुझे तो कल चंडीगढ़ निकलना है, मेरा मेडिकल है इसका, SBI जूनियर एसोसिएट का, तो उसके लिए मुझे चंडीगढ़ हो सकता कल जाना पड़ जाएगा, तो कल रात में शायद निकलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मेडिकल करवा के फिर वापस आएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट आप सभी को, बाय।